ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएसटीपी के स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन में कल हमने पूरा ये हायरार्की के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट का है उसकी हायरार्की के बारे में जानकारी ली, टॉप से लेके बॉटम तक किस तरह के हायर अधिकारी, क्या क्या नाम, किस किस तरह से वो क्या अंडर उनके आता है। तो मैंने आपको कल कहा था कि RSLM MTI एक वर्ड था जो ये दो जगह आया था, लेकिन दोनों जगह मुझे आइडिया थ्रू जरूर था लेकिन कन्फर्म नहीं था। तो इसको राजस्थान कल मैंने शायद का राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक, इसमें मैंने शायद आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शायद कहा था, लेकिन इसमें राजस्थान लाइव स्टॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप समझ लो, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है जयपुर के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि LSE की ट्रेनिंग ही हो, और भी कई ट्रेनिंग वहाँ जो है होती हैं, जैसे रिफ्रेशर्स कोर्सेज के लिए वेटनरी अफसर्स, SVO सीनियर वेटनरी अफसर्स को वहाँ बुलाया जाता है, और वहाँ LSE को भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे पास और VO रहता है, डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री। और ये कल हमने सारी डिटेल इसी ले ली थी, एक वर्ड था, एब्रीविएशन जो है क्लियर नहीं थी। तो आज ये राजस्थान लाइफ स्टॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप जो है राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा भाई, इसको बंद कर पहले यार, वो तो बाद में हो जाए। राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ के लिए पशु रोगों से बचाव एवं उपचार हेतु विभाग के अधीन वर्तमान में, अंडरलाइन करना भाई इनको, पैंतीस पॉलीक्लिनिक, ये पूछे जा सकते हैं, पॉलीक्लिनिक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जिनको कहते हैं, 35 है, 786 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल, 1709 वेटनरी हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय, 198 पशु औषधालय डिस्पेंसरी, जहां पे VA जो है वो इंचार्ज होता है, आप भी वहां इंचार्ज हो सकते हैं, LSE को भी इंचार्ज वहां लगा दिया जाता है। और उपकेंद्र मेन तौर पे सब सेंटरों पे जितने इंचार्ज होते हैं वो LSE होते हैं, कई बार जो है इसको यहाँ जो है और डिस्पेंसरी में भी लगा दिया जाता है। तो ये हमारे पास 198, और हमारे पास जो सब सेंटर हैं वो है 5638। तो ये एक पूरी हमारे पास जो नीचे कार्यकर्त जो चयन है वो, वैसे देखा जाए तो आप डिपार्टमेंट के जो है बहुत बड़े जो है लेफ्ट राइट हो, आप पर बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि बेस जो है वो यही है, बेस जो है यही है कार्य करने वाले, जो आप लोग हो, जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा कार्य आप करोगे, उतना अच्छा डिपार्टमेंट का नाम होगा। इन संस्थाओं के माध्यम से ही मुख्यतः पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्त योजनाओं का क्रियान्वित किया जाता है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को संस्थान के कार्यों तथा अपनी ड्यूटी के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो। इससे न केवल कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ती है, वरन क्षेत्र के पशुपालकों भी संतोषप्रद सेवा के प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता है। इन संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य में एक राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला, राज्य स्तरीय स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर, कल भी मैंने ये SDDC पीछे भी एक जगह आया था हमारी हायरार्की में भी, तो वहां भी मैंने आपको बताया था, स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर एवं एक राज्य स्तरीय कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर में,
क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय जैसे बीकानेर है हमारा सभी संभाग का, तो ये हो गया रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर, वो स्टेट हो गया, ये रीजनल हो गया, तथा 27 जिला रोग निदान प्रयोगशाला DDL डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब, तो ये हैं कार्यरत जो कि रोग निदान की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं, यानी कि जांचें जांच करके रोगों का पता लगाना, पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीन उत्पादन हेतु एक पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन प्रयोगशाला BP लैब जो हमने पीछे पढ़ा, ये जयपुर में है स्थापित है, विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोगशाला द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य रोगों के टीके दूसरे संस्थान प्रयोगशाला में भी क्रय कर उपलब्ध करवाए जाते हैं, पशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उपकेंद्रों तथा पशु औषधालयों की गतिविधियों पर नोडल पशु चिकित्सालय निकट पशु चिकित्सालय का भी तकनीकी नियंत्रण रहता है। तो अब है कार्य जो है वो अलग अलग इन संस्थाओं के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमने ऊपर देखा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय यानी कि वेटनरी पॉलीक्लिनिक, यह सामान्यतया जिला स्तर पर संचालित पशु चिकित्सालय है जिसका प्रभार उपनिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होता है, यहाँ जो है डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इसका पूरा नियंत्रण देखता है। इसके मुख्य कार्य पशु चिकित्सा में पशुपालन संबंधी तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, पशु शव परीक्षण, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नकारा पशुओं का बधियाकरण, ये अच्छी तरह याद कर लें आप, ये प्रत्येक में काम आएंगे, सभी के यही काम है हमारे, पॉलीक्लिनिक के नहीं है ये, पशु चिकित्सालय के भी हैं, इसमें से कुछ छोड़ के फिर डिस्पेंसरीज के भी हैं और जो है हमारी सब सेंटर है उनके भी, ये सारे कार्य हैं मिलके करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स का कार्य है वो डॉक्टर ही करता है, पोस्टमार्टम हुआ, हेल्थ सर्टिफिकेट हुआ, गर्भ परीक्षण, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के विशिष्ट अनुभागों जैसे शल्य क्रिया चिकित्सा, एक्सरे, पशु प्रजनन व्याधि के द्वारा विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती है। तो यहाँ क्या है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जो है, इतना ही फर्क है बस, जो हॉस्पिटल है वहाँ एक ही डॉक्टर है सभी तरह की सबको देखता है, यहाँ क्या है अलग अलग देखते हैं, मेडिसिन का अलग है, सर्जरी का अलग है यहाँ इंचार्ज, और एक्सरे का चार्ज जो है वो अलग है, गायनोकोलॉजी का अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो इनको देखते हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय द्वारा ग्रामीण शहरों क्षेत्र में स्थापित पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों, पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण व प्रबंधन किया जाता है। अधीनस्थ संस्थाओं से प्राप्त प्रगति व अन्य सूचनाओं को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। क्षेत्र के लिए रेफरल संस्था का कार्य भी करते हैं, कार्यशाला शिविर व सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। जो क्षेत्रों से काम रेफर होके आता है ना, जैसे वहां से ब्लड जो है सैंपल भिजवा दिए जाते हैं, या वहां से ये बोल दिया जाता है, क्योंकि वो ब्लड सैंपल तो लैब में आएंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और वहाँ से बता दिया जाता है कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप वहाँ पॉलीक्लिनिक में करवाओ, तो वो जो रेफर होके जितने भी केसेस जाते हैं वो सारे ये कार्य करते हैं। अब आता है फर्स्ट ग्रेड वेटरनरी हॉस्पिटल, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, ये तहसील लेवल पे लगभग होता है, तो इसको यहाँ जो है सारे ये नोडल बना दिए जाते हैं, जहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो नोडल प्रभारी कहलाते हैं, यह नोडल तहसील वे बड़े कस्बों शहरों आदि के स्तर पर संचालित पशु चिकित्सालय हैं जिनका प्रभार SVO वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी के पास होता है। इसके मुख्य कार्य निम्न है, पशुओं का उपचार करना, औषधि वितरण सेम है वो, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, पशु प्रजनन संबंधी कार्य, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु स्व परीक्षण, बांझ पर निवारण शिविरों का आयोजन एवं नकारा पशुओं का बधियाकरण, जन चेतना शिविर लगाना, प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण,
ग्राम सर्वेक्षण करना, पशु धन विकास से संबंधित सभी योजना का निर्देशानुसार संचालन करवाना, रोग प्रकोप नियंत्रण करना एवं एंडेमिक चार्ट का संधारण करना। एंडेमिक चार्ट जो होता है वो ये होता है कि आपका जो क्षेत्र है 8 किलोमीटर का, आपने वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पे कोई पहले कोई डिजीज ऐसी तो नहीं हुई जो जैसे बीमारियाँ फैलती हैं, HSBQ है कोई इस तरह की, अगर FMD है कोई ऐसी बीमारी फैली हुई है, तो वो आप एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अंदर आप बताएंगे कि मेरे इस 8 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में ये गांव हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ पहले हो चुकी हैं, वो एंडेमिक चार्ट कहलाता है। तो उससे क्या पता चल जाता है कि अब की बार पिछली बार कब वैक्सीन हुई, रजिस्टर निकालो तो कंटिन्यू वहाँ वैक्सीनेशन करके वहाँ से उस डिजीज को ख़त्म करना होता है। तो एंडेमिक चार्ट है, हर एक हॉस्पिटल में लगा हुआ मिलेगा, और आप नहीं होता तो आपको बनाना होता है, बना सकते हैं प्रभारी को पूछ के। पशु चिकित्सालय, वेटरनरी हॉस्पिटल, यह ग्राम व कस्बों शहरों आदि के स्तर पर संचालित तो पशु चिकित्सालय जिनका प्रभार पशु चिकित्सा अधिकारी VO, इसके मुख्य कार्य वो सेम है, पशु उपचार, औषधि वितरण, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, पशु प्रजनन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शव परीक्षण, बांझपन निवारण शिविर, नकारा पशु बधिकरण, चेतना शिविर, प्रसार प्रसार प्रशिक्षण, वो सेम ग्राम सर्वेक्षण और पशुधन विकास से संबंधित सभी योजनाओं का निर्देशानुसार संचालन। तो अब देखें, एक को याद कर लोगे ना तो एक दो पॉइंट छोड़ करके वो सभी में वही हैं, और यही काम है हमारा। वेटनरी डिस्पेंसरी, ये ग्राम व कस्बों के स्तर पर संचालित पशु चिकित्सा संस्थान है, पशु चिकित्सा संस्थान है, ध्यान रखना चिकित्सक संस्थान नहीं है ये, जिसका प्रभार जो है पशु चिकित्सा सहायक, नोट पशु सहायक चिकित्सक, ध्यान रखना पशु सहायक चिकित्सक और पशु चिकित्सा सहायक में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखना, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, धोखा देते हैं। पशु सहायक चिकित्सक वो डॉक्टर होता है, और पशु चिकित्सा सहायक वो कंपाउंडर होता है, जो सीनियर कंपाउंडर की है, VA वेटरनरी असिस्टेंट पशु चिकित्सा सहायक के पास होता है। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार है, पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, औषधि वितरण एवं टीकाकरण करना, कृत्रिम गर्भाधान गर्भ परीक्षण करना, नकारा पशुओं का बधिकरण, प्रचार प्रसार। अब देखिए ये शॉर्ट में इसके पास में इतना कार्य आ गया, यहां प्राथमिक उपचार है, उपचार नहीं है, ये देखना, ये उपचार नहीं कर सकते, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब आते हैं आपके अंडर जो सब सेंटर आएगा, ये ग्राम स्तरीय संचालित पशु चिकित्सा संस्थान है, जिसका प्रभार पशुधन सहायक के पास होता है। इसके मुख्य कार्य पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, औषधि वितरण एवं टीकाकरण वही सेम है, कृत्रिम गर्भाधान सेम है, नकारा पशुओं का बधिकरण है, प्रचार प्रसार सेम है, जो VA के काम है वही आपके काम है, इसलिए क्योंकि वो भी LSI है, जब सीनियर हो जाता है तो उसको एक डिस्पेंसरी जो है वो का इंचार्ज बना दिया जाता है, बड़ी जगह पे दे दी जाती है, आप छोटी जगह होती है वहां बैठते हैं, बस इतना सा फर्क है। वर्मन शीट से ले चिकित्सा एवं बांझपन निवारण इकाई, मोबाइल वेटनरी सर्जिकल यूनिट, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राज्य के क्षेत्रीय मुख्यालयों जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर व भ्रमणशील पर जो है भ्रमणशील शल्य चिकित्सा एवं बाज में निवारण इकाइयां कार्यरत हैं, जो संबंधित जिलों में मांग के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। आज के लिए मोबाइल यूनिट की सुविधा जिला स्तर पर व तहसील स्तर भी उपलब्ध हो गई है। इसके निम्न कार्य होते हैं, आजकल जिला स्तर में भी ये जो है सर्जिकल यूनिट बन गई है, जो गाँव में जाके जो है वो सर्जरी करती है। इनके कार्य बांझ पर निवारण शिविरों का आयोजन, पशुओं का उपचार, औषधि वितरण, शल्य चिकित्सा, गर्भ परीक्षण, पशु प्रजनन वही सेम है, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु शव परीक्षण, नकारा पशुओं का बधिकरण, जनचेतना रेफरल रूट्स, जहां जहां जो रूट बना के दिया जाता है इनको कि आज इस रूट पे आप जाओगे तो ये उस रूट का भ्रमण करेंगे, पूरा का पूरा एरिया चारों तरफ का दिया जाता है। तो इनके पास चाहे वो 4 दिन भ्रमण करें या 5 दिन भ्रमण करें वीक के अंदर, तो वो भ्रमण में रूट बना दिए जाते हैं,
रेफरल रूट्स होते हैं, वहां वहां वो जाते हैं, जो जो गांव बीच में आते हैं वहां उनकी सेवाएं लेकर के वापस आते हैं। रोग प्रकोप नियंत्रण करना, पशुधन विकास संबंधी सभी योजना का निर्देशन अनुसार संचालन, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शिविर कैलेंडर बनाकर नियंत्रण अधिकारी से अनुमोदन करवाना। कहाँ कहाँ आप शिविर लगाओगे और कहाँ कहाँ ये सर्जिकल कैंप लगाओगे वो आपने पूरा का पूरा बना करके अपने इंचार्ज से अनुमोदन करना होता है। जो हमारा ये पता रहेगा कि हम आने वाले साल में इस महीने में इतने टूर करेंगे, यहाँ यहाँ जाएंगे, उससे अगला महीना ये रहेगा, इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये टोटल जो है बना करके टूर दिया जाता है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी DDL। डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक डिजीज लैब, इसमें क्या आता है, बाहर से जो आप भेजोगे नमूने रक्त के, मल के, मूत्र के, दूध इत्यादि के, तो ये सारे के सारे नमूनों की जांच कर रिपोर्ट समय से प्रेषित करना, जिसे पशुओं को रोग मुक्त कराया जा सके। शिविर आयोजन, अंतः परजीवी बाह्य परजीवी अन्य रोगों की जांच करना, चिकित्सा कार्य एवं रोग निदान कार्य में सहयोग करना। जो बाहरी बाह्य परजीवी चिंचड़ वगैरह, अंतः परजीवी पेट के, उनकी जांच, स्लाइडें बनाते हैं, जब आप गोबर भेजते हो तो उसमें ये स्लाइड, उसमें स्लाइड जो है बना करके उसमें देखते हैं, जब दस्त लग जाए पशु ठीक नहीं होता तो आप वहाँ से यही काम करते हो। रोग फैलने की स्थिति, आउटब्रेक में रोग की रोकथाम हेतु नमूनों की जांच करना, रिपोर्ट संबंधित को समय पर प्रेषित, रोग निदान से संबंधित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत नमूनों की जांच करना तथा रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी को प्रेषित करना। संभावित संक्रामक रोग एंडेमिक एरिया, एंडेमिक चार्ट मैंने आपको बताया था ना, एंडेमिक एरिया में जहां पे है तो वहां टीकाकरण करना और मॉनिटरिंग करना। संबंधित जिले का विभिन्न पशु रोगों से संबंधित एंडेमिक चार्ट तैयार कर जिला उपनिदेशक को समय समय पर टीकाकरण संबंधी सुझाव प्रेषित करना। जिले की पशु रोग से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन समय पर तैयार करवाकर उपनिदेशक को प्रेषित करना। तो ये तो मेरे ख्याल है उपनिदेशक की जगह आजकल इसको करो आप ज्वाइंट डायरेक्टर, अभी ये डिप्टी डायरेक्टर नहीं रहेगा, ज्वाइंट डायरेक्टर है, संयुक्त निदेशक, यहाँ काट करके इसको संयुक्त निदेशक कर लो आप। हाँ, ये आजकल संयुक्त निदेशक को भेजिए, अभी ये संयुक्त निदेशक के अंडर में होते हैं। रेबीज कंट्रोल यूनिट, रेबीज रोकथाम की रोकथाम के लिए तो राज्य में अजमेर है, जयपुर में एक इकाई कार्यरत है, इन इकाइयों द्वारा रेबीज रोग के रोकथाम में तो रोग निरोधक टीकाकरण किया जाता है। इसके कार्य हैं रोग निरोधक टीकाकरण, कुत्तों का पंजीकरण करना, पागल कुत्तों के काटने पर उपचार, टीकाकरण व चेतना शिविर का आयोजन, कुत्तों का बधियाकरण करना, आवारा कुत्तों का अनुमूलन और कुत्तों की डीवर्मिंग जो है वो करवाना, तो ये जो इनके कार्य। अब ये हमारे पास, हमने अभी तक तो पढ़ा कि जो जो संस्थाएं हैं उनके जो हमने कार्य पढ़े, अब हमें जो संस्था के अंदर जिनकी जिनकी ड्यूटियां लगती हैं, जो जो कार्यरत होने, वो क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी जो है वो डिवाइड किए हुए हैं कि वो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो आप हमसे, हम पहले सबसे देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ वेटनरी ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट जॉब कार्ड क्या है उनका, देखते हैं। पशु चिकित्सालयों, चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न विभाग द्वारा उनके कार्य आवंटित किए गए जो निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले सीनियर वेटनरी ऑफिसर SVO, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का क्या काम है, नियमानुसार सभी प्रकार की पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। नोडल अधिकारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं की निगरानी करना, मॉनिटरिंग, अधीनस्थ गोपालकों की निगरानी करना एवं समय समय उन्हें कार्य में सुधार संबंधी सुझाव देना, आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग एवं क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों की सहायता NGOs की सहायता से लेकर के शिविरों का आयोजन करना जिनमें बीमारियों की रोकथाम, बांझपन निवारण एवं शल्य चिकित्साओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जब कभी भी आवश्यक हो पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना, शव परीक्षण प्रमाण पत्र देना एवं घायल इंजरी रिपोर्ट इत्यादि देना।
क्षेत्र का एंडेमिक चार्ट तैयार करना। ये गायलें जो इंजरी रिपोर्ट है वो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंटल किसी के जानवर को कोई चोट लगा जाए और वो केस कर देता है, तो डॉक्टर जो उसकी रिपोर्ट देता है कि किस प्रकार की इंजरी है, तो वहाँ कोर्ट में जो इंजरी रिपोर्ट जाती है उसी हिसाब से फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। तो ये डॉक्टर देता है। क्षेत्र का एंडेमिक चार्ट तैयार करना, बीमारी की रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करना, जैसे किसी बीमारी को फैलने से रोकने तो तुरंत कदम उठाना, पशुपालन प्रसार गतिविधियां एक्सटेंशन एक्टिविटीज आयोजित करना, जैसे फिल्म दिखाना, चारा प्रदर्शन, गोष्ठी, पशुपालकों को तकनीकी जानकारी देना, प्रगति प्रतिवेदन प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना एवं उन्हें समय पर संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर या उपनिदेशक अथवा उच्चाधिकारियों को समय समय पर प्रेषित करना, चिकित्सालय में आवश्यक रिकॉर्ड तैयार करना, सभी सरकारी आदेशों एवं सर्कुलर्स की अनुपालना करनी सुनिश्चित करना, और जो पत्र आए हैं उनको उन पत्रावलियों में लगवाना, लगाना नहीं वो नहीं लगाता, कह के लगवाता जो हमारे यहाँ कार्यतर बाबू होता है, मलमूत्र ऊन दुग्ध रक्त त्वचा आदि के नमूने एवं अन्य नमूने इकट्ठे करना है, उन्हें जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला को भिजवाना, विभिन्न मदों का राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करना है, विभाग के निर्देशानुसार उन्हें जमा करवाना, जैसे एआई का पैसा आता है कोई इस तरह का पैसा जो एआई का जनरली आता है पेमेंट और तो कौन सा, विभाग के विभिन्न कानूनों नियम आदेशों एक्ट रूल एंड ऑर्डर को लागू करना व सुनिश्चित करना, इमरजेंसी केसेज को आवश्यकता अनुसार देखना, विभागीय संपत्ति एवं भंडार के प्रति जिम्मेदारी। ये हमारा जो SVO है जो नोडल स्तर पे बैठता है वो उसके ये कार्य हैं, संबंधित क्षेत्र की संस्थाओं को तकनीकी सलाह देना तथा रेफर केसेस को देखना, उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित सभी कार्यालय संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करना। ये हमारा नोडल अधिकारी जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पे बैठता है। अब वेटरनरी ऑफिसर VO, ये पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है, नियमानुसार सभी प्रकार की पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संबंधी सेवाएं पशु चिकित्सालय के प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए सभी क्षेत्र की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं की निगरानी मॉनिटरिंग, अधीनस्थ गोपालकों की निगरानी करना, समय पर उन्हें कार्य में सुधार संबंधी सुझाव देना, आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग एवं क्षेत्र के गैर सरकारी सेम NGO की सहायता लेकर के शिविरों का आयोजन जिनमें बीमारियों की रोकथाम बांझ बन निवारण एवं शल्य चिकित्साओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जब कभी भी आवश्यक हो ये प्रमाण पत्र ये भी बिल्कुल दे सकते हैं, क्षेत्र का एंडेमिक चार्ट तैयार करते हैं वही सेम है,